हेलो लेमॉन फैमिली, कैसे हो आप सब। कल की सेल का तो बहुत फायदा उठाया आप लोगों ने, बड़ा मजा आया। ऐसे सेल्स में लेकर आती रहूंगी, डोंट वरी। वी आर नॉट कीपिंग एनी सिंगल रुपी एज अ प्रॉफिट। जितने की आ रही है हम उतने की दे रहे हैं, सिर्फ शिपिंग आपसे ले रहे हैं। कई बार ऐसा काम करना चाहिए ना, है ना। कई बार नहीं भी कमाना चाहिए, सिर्फ प्यार में चाहिए कि हाँ भी ठीक है, लेमॉन पे सेल लगती है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आज बड़े टाइम से डिमांड आ रही थी ना, आज हमने वो सोचा डिमांड आप लोगों की फुलफिल करूं। क्या डिमांड थी? बड़े साइज की टी शर्ट्स। सो आज मैं 46, 47, 45 साइज की टी शर्ट्स लाई हूं, एंड उसके बाद के जितने साइजेस हैं वो बीच बीच में मैं वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, सो आज हम 45, 46 एंड 47 साइज की टी शर्ट्स बनेंगी, वो इसकी वीडियो बना रही हूँ। इसके लिए मैं आपको एक चीज ये भी बताऊंगी, ये जो उनसी टी शर्ट्स है ना, ये दीज आर मेड इन बांग्लादेश और बांग्लादेश कॉटन है। सो अगर आपको 47 साइज आता है तो आप 46 एंड हाफ या 46 लो, क्योंकि 2-3 वॉशेस के बाद ना ये सारा लूज हो जाता है, काफी लूज हो जाता है। तो वो आपको साइज तब पूरा आ जाएगा क्योंकि इसके पास स्टार्च यूज हुआ होता है। फैब्रिक इज ऑसम, नो डाउट अबाउट इट, फैब्रिक बहुत ऑसम है। जस्ट एज जितना कैसे बताऊं मैं आपको, ओरिजिनल का जो फैब्रिक है सेम फैब्रिक है, विद द स्कैनेबल बारकोड्स एंड टैग्स एंड वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, वो मैक्सिमम चीजों में मिल जाएगा आपको। काफी चीजों में, कुछ एक आधी चीजों में नहीं होगा, बिकॉज वो ट्रांसपोर्टेशन एंड खोलने में बंद करने में ऐसे उतर भी जाते हैं। बट फैब्रिक इज ऑसम, जो बेसिक चीज है लेमॉन की फेमस है कि फैब्रिक इज रियली गुड। सो जो मैंने कल 500 वाली टी शर्ट दिल्ली में दी है ना सेल में, उनके जो रिव्यूज है, सॉरी मैं दिखावा नहीं करती हूँ कि मेरे इतने कोरियर जा रहे हैं या मेरे पास इतने रिमार्क्स आ रहे हैं या इतने रिवॉर्ड्स आ रहे हैं इस चीज के कि फैब्रिक ये है या वैसा है, ये देखो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं लोग, या मतलब फोटोग्राफ क्लिक करके भेज रहे हैं। मेरे को शोशा करना नहीं आता, आई डोंट बिलीव दैट। सो अब शुरू करते हैं टी शर्ट से। ठीक है, तो युवराज मुझे कैमरा होल्ड करके सिर्फ नोटिस करना कि मम्मा कितना बोल रही है, बट मेरे को सब चीजें बतानी जरूरी है कि सबको फैब्रिक बहुत अच्छा लगा। 500 वाली टर्की फैब्रिक है वो, ये देख लो बांग्लादेश टी शर्ट का, ये देखो इसका मैं साइज अभी आपको मेजर करके बता देती हूँ, लेबल आप खुद चेक कर लेना। इसका ये बैक साइड है, ठीक है, फ्रंट साइड इसका ये है, ठीक है। इसका बैक साइड से कॉलर आप देख लो कैसा रहेगा, एंड अब इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, आजो युवराज दिखा दो। नाउ दिस इज 24 एंड अ हाफ, सो दिस विल बी 43, ठीक है ना, 48, माय मैथमेटिक्स एंड माय ज्योग्राफी इज रियली बैड, सो इट इज 48। ठीक है, तो ये आपका साइज हो जाएगा नियर अराउंड इतना, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 3XL। सो कभी भी टैग्स के ऊपर मत जाना, बैंकॉक वाली टी शर्ट्स के ऊपर खास करके टैग्स के ऊपर मत जाना, बिकॉज टैग्स जो से है वहां पर जो सा कई बार स्मॉल जो सा मीडियम को हमारे पूरा आ रहा था इंडियन साइज को, सो टैग्स के ऊपर मत जाना। जो मैं इसीलिए टी शर्ट मेजर करके बता रही हूँ बड़े साइज की, ताकि आप लोगों को कम्फर्ट लेवल रहे। सो दिस इज 24 एंड अ हाफ एंड दैट विल बी 48.5। ठीक है, ये देख लो इसके ऊपर ये रबर पैचिंग है, युवराज पास आके दिखा दो, ये सारा रबर पैचिंग है, बहुत अच्छा इसका है। इसका कॉलर दिखा दो, ठीक है। सो इस वाले में एक कलर ये है इस ब्रांड में, मैं इसको साइड कर देती हूँ, नेक्स्ट वाले में चलते हैं। अच्छा, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल होंगे, वो साथ साथ में मैं रैंडमली दिखा दूंगी। अब एक टी शर्ट ये है, ठीक है जी, ये आपका कॉलर आ गया, ब्रांडिंग आपको युवराज दिखा देगा। इसके स्लीव्स पे पूरा रिब्ड है, इसका साइज मैं आपको दिखा देती हूँ, 24, that is 48। ठीक है जी, ये 48 साइज है, मैंने वही बोला है, और इसका लोगो भी युवराज पास आके दिखा देगा, बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड लोगो है। सो ये बेसिक टी शर्ट है, ये देख लो इसके ऊपर भी 3XL लिखा है, और ये साइज 48 है। सो मेरे पास बिग साइजेस, इससे भी बड़े बड़े साइजेस है अवेलेबल है, वो मैं अगली वीडियोस में बना दूंगी। ठीक है जी, ये इसका सारा पीछे से कॉलर आ जाएगा, एक टी शर्ट ये हो गई, नेक्स्ट वाली पे चलते हैं। इसका फैब्रिक इज ऑसम, जैसे मैंने मेंशन करा, इसका फैब्रिक बहुत ऑसम है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है, और ये सारी आगे जितना भी इसका फ्रंट है ये सारा एम्ब्रॉयडरी हुआ पड़ा है। ठीक है, अब इसको मेजर कर लेते हैं,
इसके बटन्स बहुत मैट फिनिश में बटन्स हैं और बहुत अच्छे बटन्स हैं, ठीक है। तो लेबल वगैरह चेक कर लो, ये सारे इसके साथ स्कैनेबल बारकोड्स एंड ये एंड सब कुछ इसका आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर भी 3XL लिखा है। अब इसका साइज मेजर करके मैं आपको बता देती हूँ, ये देखो जी साइज 49, इसका साइज है 49 इसका साइज है, ये देख लो। हाँ, मेरा मेजरिंग टेप वो डायमंड खा गया है, कल भी उसने एक मेजरिंग टेप तोड़ दिया। इसके रिब्स वाली बाजू देख लो आप, ये देखो जी इसके रिब्स वाली बाजू देख लो और क्वालिटी चेक कर लो। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग ईच टी शर्ट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1500 रुपीज, यस 1500 रुपीज। अब वो इस वाले लेबल में मैंने आपको एक लेवेंडर कलर दिखाया था, एक इसमें ब्लैक कलर भी है, ठीक है। लेवेंडर आजकल ज्यादा चल रहा है, लाइट कलर ज्यादा चल रहे हैं, सो आप ये भी कलर चूज कर सकते हो। साइज वही रहेगा जो उसका था, चेक कर लो, ठीक है 49। इसके आप बटन्स वगैरह चेक कर लो, देखो बटन्स पे भी इसकी बहुत अच्छा सा काम नहीं हुआ पड़ा, मतलब एक अलग स्टाइल के बटन है। नीचे से न्यूड है, ऊपर से व्हाइट लाइनिंग है, आउट लाइनिंग है। इसके बटन्स बहुत अच्छे हैं और ये रबर पैच वगैरह दिया हुआ है, बाजू इसकी पूरी रिब्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें आपने एक दूसरा कलर देखा था ऑलिव ग्रीन, मिलिट्री ग्रीन, इसमें एक ये ग्रे कलर भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग थोड़ा बेसिक पहनना पसंद करते हैं, तो इसीलिए इसकी बाजू की डिटेलिंग देख लो। इसकी बाजू पे पूरी रिब्ड है और अलग तीन जो उसके कलर्स है बेसिक इस ब्रांड के, वो सारे मेंशनड है, ठीक है। अब इसके साथ टैग नहीं है, बट इफ यू वांट वी कैन गिव यू द टैग। टैग्स की चिंता मत करना, इस टाइम पे आपको क्वालिटी मिल रही है एंड ओरिजिनल फैब्रिक मिल रहा है और आपका साइज मिल रहा है, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ये देखो जी 49, ठीक है जी 49 साइज है, ये चीज चेक कर लो। स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाना एंड वाई बिकॉज फिर मुश्किल होती है मेरे को ना बार बार फोटो भेजने में, फोटोग्राफ सॉरी टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, काम ज्यादा होता है, सो इसलिए फोटोग्राफ्स जो सी है मैं नहीं शेयर करूंगी, सिर्फ आपके साथ मैं वीडियो शेयर करूंगी। हेयर इट इज, इसका कलर्स आपने दूसरे देख लिए हैं, एक लेवेंडर था, एक ब्लैक था और एक ये ब्लू है, और ये बहुत अच्छा टर्कुइश ब्लू है, मतलब अच्छा ब्लू है। अरे ले लाइक वो इंक वाला ब्लू होता है ना, लाइट ब्लू, वैसा वाला डार्क ब्लू और लाइट ब्लू के बीच का, ये वो वाला ब्लू है। सेम है इसका साइज 49। स्टिल आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से मेजर कर देती हूँ, ये देख लीजिए 49 के पास पास है, मतलब 48-49 के पास पास है, ठीक है जी। ये आपका सेम, इसका बैक सेम है, इसका कॉलर का पीछे का डिजाइन देख लो, नियॉन का पट्टी दिया हुआ है पूरा एक इसमें ना, ठीक है। सो ये हो गए आपके कुछ आर्टिकल्स आपके ये आ गए। ये ब्रांडिंग देख लो आप इसकी, ये ज्यादा बड़ा लग रहा है यार 3XL के हिसाब से। ये देख लो जी, इसकी कॉलर से ही आपको पता चल गया होगा कि ब्रांडिंग कौन सी है, ठीक है ना। ये देख लो इसका पट्टी इधर, इसके ऊपर भी रिब्ड है, सेम कलर कॉम्बिनेशन है, जो मैं आपको करीब से भी दिखा दूंगी, अभी मैं आपको फुल लुक दे रही हूँ। ये लो बैक देख लो, ठीक है ना। अरे बाप रे, युवराज को बोलूंगी मैं पास आ जाए। इसकी लेबलिंग चेक कर लो, डिटेलिंग चेक कर लो, इसके ऊपर ये सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ पड़ा है, इसका लोगो का पूरा एम्ब्रॉयडरी हुई पड़ी है, बाजू पूरी रिब्ड है, ठीक है। इसमें ब्लैक एंड रेड की वो दी हुई है, डिटेलिंग दी हुई है, ठीक है जी। इसके कॉलर पे भी पूरा मेंशनड है विद द 3 slats, ठीक है। और इसका ये पूरा इसका लेबल का 3XL मेंशनड है और इसके लव लेटर साथ में दिया हुआ है। अब आ जाती है बारी इसको मेजरमेंट की, ये बड़ा है आई सपोज, और फैब्रिक इज ऑसम, बहुत अच्छा, और कॉटन है। ये लो 49, नियर अराउंड 49 प्लस, थोड़ा सा प्लस है 49, थोड़ा सा प्लस है, मतलब 50 और 49 के बीच में है, ठीक है जी। ये हो गया आपका, फैब्रिक इज वेरी गुड, कलर इज वेरी गुड, दूर से समझ में आएगा आपको ये कलर, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलर इसमें, क्योंकि बहुत डिसेंट कलर है। अब ये वाला लेबल तो सबने चेक करा होगा, ये लो देखो सबको होएगा ये लेबल का,
ठीक है ना। इसका कॉलर चेक करो आराम से, बैक इसकी चेक कर लो आराम से, ठीक है। और इसके ऊपर मेंशन है इसके टैग के ऊपर 5XL, बट हालांकि ये 5XL नहीं है। मैं मेजर करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, युवराज से मैं बोलूंगी पास है। ये इसके लेदर पैचेस हैं, प्रॉपर ब्रांडिंग यहाँ पर है, बाकी सारा लेदर पैच है। ये इसके रिब्ड बाजू है, ठीक है। इसकी ब्रांडिंग चेक कर लो, इसके ऊपर ब्रांडिंग है, इसके ऊपर ब्रांडिंग है, ठीक है। बहुत डिसेंट से है और इसमें ये सिंगल पीस बचा है क्योंकि जो ऑफलाइन आए थे उन लोगों ने चेक करा था। इसकी डिटेलिंग चेक कर लो, युवराज आपको दिखा रहे हैं। इसका जो सा साइज है 24.5, दैट इज 49। सो ये नियर अराउंड 5XL तो नहीं मैं बोलूंगी क्योंकि हमारे में 5XL 50 के ऊपर जाता है। सो ये 3XL में मैंने रखा है, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट में जाते हैं, जो भी आपने ग्रे कलर में देखा था ये लेबल, ये ब्लैक कलर में है, ठीक है। इसका आप बैक देख लो, ठीक है, और इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क देख लेना, अब नजर आ रहा होगा पूरा। अब आ जाते हैं मेजरमेंट के बारी। मेजरमेंट मैं सारी टी शर्ट्स का दूंगी, कहीं कल को कोई डाउट ना रह जाए तो मैं भी बोलूँ कि हाँ मैंने मेजर करके भेजा था। ये लो जी चेक कर लो, ये 23.5 आ रहा है, सो इट इज 47, ठीक है, 47 है। और ये वाकई 3XL है, ये वाकई 3XL है, वो बड़ा था ये छोटा है, ठीक है। सब चीज के मेजरमेंट मैंने आपको दे दिया है। इसकी डिटेलिंग देख लो, ब्लैक के ऊपर कैसी है इसके कॉलर की, ठीक है। मैंने कहा है ना कि लेबल्स के ऊपर मत जाना, उसके जो साइज लिखा उसके ऊपर मत जाना, कुछ गड़बड़ होती है तभी ये हम लोगों को भी मिल जाते हैं कि हाँ ठीक है तुम लोग भेज दो। ये लो, ये देख लो ले, इसका मैं पिक्चर थोड़े दिनों में पोस्ट करूंगी, बट ये इसका मैं बड़ा साइज है तो मैंने सोचा यही दिखा देती हूँ, ठीक है। इसकी ब्रांडिंग चेक करवा देती हूँ मैं अभी आपको, और इसका वो चेक करवा देती हूँ साइज। This article is 47, ठीक है। और इसकी डिटेलिंग मैं चेक करवा देती हूँ, युवराज से बोलूँगी पास लेकर आए। इसके पूरे टैगिंग वैगिंग सब साथ में मिल रही है आपको, ठीक है, विद अ रिबन एंड विद अ सेफ्टी पिन। इसके बटन्स चेक कर लो, वो भी ग्रे एंड वाइट कलर में है, ठीक है। इसका कॉलर चेक कर लो, ये फ्रंट लुक है कॉलर का, ये बैक लुक है कॉलर का, ये इसकी बाजू है, ठीक है। साइज मैंने आपको मेंशन कर दिया है। इसमें एक कलर ये और आया है, दिस इज वाइन कलर, दिस इज वाइन कलर, चेक कर लो आप सारे, ठीक है। साइज में इसका मेंशन मेजर कर देती हूँ, फोर्टी सेवन, ठीक है। सो इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखा देती हूँ, युवराज पास साल जो भी तो। इसकी डिटेलिंग चेक कर लो, इसके बटन्स देख लो, इसकी बाजू देख लो, पूरी रिब्ड है, ठीक है। ये दो कलर्स है इस वाले ब्रांडिंग में। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी मैंने अभी वो करनी थी, पोस्ट्स करने थे इसके फोटोग्राफ, तो मैंने कहा चलो आपको लाइव दिखा दूँ। इसमें मेरे ख्याल से इसमें 2XL भी अवेलेबल है, 2, 3, 4XL अवेलेबल है, ये देख लो, ठीक है। इसका बैक देख लो, बाकी मैं पास से दिखा दूंगी आपको, मगरमच्छ है मगरमच्छ। इस वाले ब्रांड की ना मतलब एवरीबडी वांट्स दिस ब्रांड टू बी देयर इन देयर वार्डरोब, ठीक है। कम हियर, ये देख लो ब्रांडिंग देख लो, पूरे एम्ब्रॉयडर्ड पैच है छोटा सा, ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, ये देख लो इसकी ब्रांडिंग साथ में इसके लेबलिंग सब कुछ है, ठीक है। इसकी इसके कॉलर चेक कर लो आप, इसका बैक कॉलर चेक कर लो, इसकी बाजू चेक कर लो, पूरा रिब्ड है, ठीक है जी। इसके बटन्स देख लो कितने एलिगेंट है। अरे अगर मैं मेल होती और मैं बड़े साइज की होती तो मैं डेफिनेटली आर्टिकल पिक करती, बिकॉज माय फेवरेट कलर इज वाइट। सो इसका आप देख लो 24 आ रहा है, ऑलमोस्ट 24 है, सो इट इज 48, ठीक है। इसमें एक कलर और अवेलेबल है, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक देख लो,
इसकी डिटेलिंग युवराज से बोलूंगी, पास आके दिखा दे। इसके बटन्स चेक कर लो, इसका आपका एम्ब्रॉयडर्ड पैच है, कहीं नहीं जाने वाला। ये आप चेक कर लो बाजू, ठीक है। और इसका ये देखो जी, 48 के करीब है, तो दैट इज नियर अराउंड 47-48, ठीक है। ये दो इस पे कलर्स है, ब्लैक एंड व्हाइट। एंड इफ आई वांट टू चूज, क्योंकि कई लोग कहते हैं मैम जो आपको अच्छा लगे वो भेज दो, तो आई विल गो विद व्हाइट। ब्लैक सबके पास होता है, व्हाइट इज समथिंग वेरी प्योर, वेरी सोलीनेस, आत्मा का रंग होता है ना, आई रियली लव इट। सो नेक्स्ट आ जाते हैं ये वाले लेबल पर, ये देख लो, अगेन योर फेवरेट लेबल, ठीक है। इसका बैक में भी सारी प्रिंटिंग है, ठीक है, इसके फ्रंट में भी प्रिंटिंग है, कॉलर्स इसके बिल्कुल प्लेन है, सेम कलर में, स्काई ब्लू में। डिटेलिंग चेक कर लो पूरी इसके, ये देख लो पूरे अलग अलग, जिसको जितनी लैंग्वेजेस आती है ना उतनी लैंग्वेजेस में ये पढ़ ले अपना, सेम। और इसके बाजू चेक कर लो, रिब्ड है पूरा, प्रिंटिंग पैच है और अच्छा है। एंड इसके बटन्स आप देख लो, बहुत सोबर है, बहुत ही ज्यादा सोबर है, अरे लव द बटन्स। सो ये देख लो, 24-48 के पास आ रहा है। सो इट इज हाईली स्ट्रेचेबल, ये सारे फैब्रिक स्ट्रेचेबल है, बांग्लादेश कॉटन है, तो ये स्ट्रेचेबल होगा, स्टार्ची होता है, वॉश होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा एंड थोड़ा सा लूज होगा 3-4 वॉशेस के बाद। इसमें एक कलर ये भी है, ये स्काई ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, फाइबर थक गई ये लो, जो इतने बड़े पीसेस है ना, पूरा इसके लिए बाजू फैलानी पड़ती है, पूरी बाजू फैलानी पड़ती है, पूरी मेरी पीटी एक्सरसाइज हो गई। येलो इसमें देख लो, जैसे इसमें स्काई ब्लू में पास ऑफ, स्काई ब्लू में ब्लैक का प्रिंटिंग दिया हुआ है, इसमें डार्क ब्लू में व्हाइट का प्रिंटिंग दिया हुआ है, एंड ये अच्छा पीस है। और इसका मेजरमेंट वही 48, ठीक है। और इसमें एक ब्लैक कलर भी है, येलो ब्लैक कलर, ठीक है। और इसका मेजरमेंट भी मैं कर देती हूँ, 48, ठीक है। सो ये सारे मैंने आज आपको आर्टिकल्स दिखा दिए हैं, जो सारे बड़े साइजेस हैं। इसके बाद के जो बड़े साइजेस हैं वो बहुत सारे और रखे हैं, बाद के मतलब 48 प्लस के, तो वो मैं थोड़े दिनों में रील बनाऊंगी, क्योंकि इसने मुझे बिल्कुल पुश कर दिया, एनर्जी मत जीरो। सो बट मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ये जो से आर्टिकल्स हैं, इतनी बड़ी रील हम लोग ना इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हैं, ना किसी और चैनल पे, व्हाट्सएप पे तो अपलोड करने में टाइम लग जाएगा, कुछ को पहुंचेगी कुछ को नहीं पहुंचेगी। सो मैंने इसलिए यूट्यूब बनाया है फॉर माई सेल आर्टिकल, या फिर मुझे कुछ आर्टिकल्स की पूरी डिटेलिंग के साथ मेंशन करना है तो आई कम ऑन द यूट्यूब, तो वहां पर मैं पोस्ट कर देती हूँ, जी भर के जितना मर्जी देखो, ताकि आप फॉरवर्ड भी कर सको, स्पीड पे भी देख सको एंड सारी चीज कर सको, ठीक है जी। सो दिस वॉज द थिंग, एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा 1500 ईच इंक्लूडिंग शिपिंग, तो अपनी चीज जल्दी से ऑर्डर कर लेना। थैंक यू।